गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चे। आज सिक्स क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, सिक्स क्लास के मैथ्स में हमने होल नंबर में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। आज हम बात करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टीज। आज हम किसकी बात करेंगे बेटा? डिवीजन की बात करेंगे। देखिए, डिवीजन क्या होता है बेटा? ए डिवाइडेड बी, ये डिवीजन होता है बेटा। अगर मैं चार को दो से डिवाइड करता हूं तो ये डिवीजन कहलाता है बेटा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2, और इसका आंसर होता है बेटा 2। इसका आंसर क्या होता है बेटा? 2 होता है। ठीक है, तो इस डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा? आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। तो डिवीजन जो आपका है वो डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दो होल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो उनका रिजल्ट भी होल नंबर ही आएगा। चलिए, मैं करता हूं 8/3। 8/3 को कैसे लिख सकते हैं? 8/3। और क्या 8/3 मेरा होल नंबर है? क्या 8/3 मेरा होल नंबर है बेटा? नहीं, 8/3 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होते थे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। बट 8/3 इसमें नहीं आया, तो 8/3 क्या नहीं है? होल नंबर आपका नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ गए। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे हम 1 से, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो रिजल्ट उसका a आ जाएगा। बट a इज नॉन जीरो होल नंबर। ए जो आपका है वो जीरो ना हो, बस। अगर ए जीरो नहीं है, जैसे अब मैं करता हूं 5/1, तो 5/1 कितना होता है बेटा? 5/1 कितना होता है? 5 होता है। 4/1 कितना होता है? 4 होता है। अगर मैं करता हूं 15/1 तो कितना होता है बेटा? 15 होता है। सही कह रहा है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कहती है बेटा कि अगर कोई भी नंबर जीरो को डिवाइड करता है बेटा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। ठीक है, हेयर ए इज नॉन जीरो होल नंबर। ये क्या है आपका? नॉन जीरो होल नंबर। बात समझ में आ गई कैसे? देखिए, 0/2 करता हूं मैं, 0/2, तो 0/2 क्या होता है बेटा आपका? जीरो होता है। अगर मैं करता हूं 0/15 करता हूं, 0/15 करता हूं, 0/15, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। यहीं पे ही मैं एक प्रॉपर्टी और आपको बता दूं कि अगर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं, अगर बेटा किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है, अगर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट बेटा नॉट डिफाइंड आता है। देखिए, जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आता है, बट अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट बेटा नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, देखिए दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। एक में मैंने क्या किया है? जीरो को डिवाइड किया है। एक में मैंने क्या किया है? जीरो से डिवाइड किया है। ठीक है, समझ गए बात। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है वो क्या कहती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी ना, उसको भी डिविजन डज नॉट होल्ड। आपकी डिविजन प्रॉपर्टी को भी डिविजन सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कैसा लिख सकता हूं इस नंबर को? मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं बेटा इस नंबर को, 16/8
8 डिवाइडेड बाय 2, यही तो कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि आप तीन नंबर्स को, तीन होल नंबर्स को कैसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखो पहले में मैंने इसको ग्रुप बनाया, दूसरे में मैंने इसको ग्रुप बनाया, देखते हैं जरा। अगर मैं 16 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा 2 आएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पे 16 तो डिवाइडेड बाय किसके, अगर 8 को 2 से डिवाइड करूंगा बेटा 4 आएगा, ये आएगा बेटा 1 और ये आएगा बेटा 4, क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन डज नॉट होल्ड, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपकी है वो डिवीजन को होल्ड नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है 7th नंबर, और 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है बेटा आपका डिवाइजर इनटू में क्वेश्चेंट प्लस में रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है वो। देखिए वो टर्म जिससे, जिसको आप भाग देने वाले हैं, जिस टर्म से आप भाग देने वाले हैं वो डिविजर कहलाती है, जो भागफल आया जिस टर्म के ऊपर भाग गया वो क्वेश्चेंट कहलाती है, और भाग जाने के बाद जो शेष बचा वो रिमाइंडर कहलाती है बेटा, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे करूं भाई, मैं 24 को 4 से डिवाइड करना चाहता हूं, 24 को 4 से डिवाइड करना चाहता हूं, मतलब यहां पे डिविडेंड कौन बना बेटा, डिविडेंड कौन बना 24, यहां पे डिवीजर कौन है बेटा, डिवीजर कौन है, डिवीजर आपका 4, और अगर मैं 24 को 4 से भाग देता हूं बेटा, देखिए 24 को मैंने 4 से भाग दिया, ये दे दिया मैंने, तो देखिए भाग किसके ऊपर जाएगा बेटा 6 के ऊपर, 6 4 6 का कितना होता है 24, रिमाइंडर कितना बचेगा, 24 में से 24 जाएगा तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, 0 रिमाइंडर बचेगा, अब 0 रिमाइंडर बच गया, अब क्या होगा, देखिए रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर बचा 0, और बेटा क्वेश्चेंट कितना था, भागफल कितना था बेटा, क्वेश्चेंट ये था 6, जिसके ऊपर भाग गया है, भाग किसके ऊपर गया है 6 के ऊपर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, आर से डिनोट कर रहा हूं मैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब बेटा देखिए ये 24 है, 24 इज इक्वल टू डिवीजर कितना था 4, क्वेश्चन कितना था 6, और रिमाइंडर कितना था 0, ये कितना हो जाएगा 4 6 का कितना होता है बेटा 24 प्लस 0, ये कितना बन जाएगा 24, और 24 इज इक्वल टू 24। तो ये आपकी 7th प्रॉपर्टी थी बेटा, जिसमें क्या कहा मैंने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग 15990 बाय 290 द रिमाइंडर इज, द रिमाइंडर इज, द रिमाइंडर इज 40, देन क्वेश्चेंट विल बी, आपसे क्वेश्चेंट पूछ लिया, क्वेश्चेंट विल बी, देखिए आपको क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया, कितना दे दिया बेटा 15990, आपको क्या दे दिया बेटा, डिवीजर दे दिया, डिवीजर कितना दिया बेटा, डिवीजर कितना दिया 290 दे दिया बेटा, आपको रिमाइंडर दे दिया बेटा कितना, रिमाइंडर कितना दे दिया बेटा, रिमाइंडर दे दिया आपको 40। फॉर्मूला में पुट कर दो बेटा, फॉर्मूला क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वेश्चेंट प्लस में रिमाइंडर, ये होता था। देखिए ये कितनी है 15990 इज इक्वल टू डिवीजर कितना बेटा 290 इनटू क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट अभी पता नहीं है मेरे को निकालना है, क्वेश्चेंट प्लस में 40, ये आपके पास टर्म आ गई बेटा। आप में, आपने इसमें क्या निकालना है बेटा, आपने इसमें क्वेश्चेंट निकालना है। देखिए ये टर्म जब इधर आएगी, प्लस में है तो माइनस में आएगी, ये कितना बन जाएगा 15990 माइनस 40 इज इक्वल टू 290 इनटू क्वेश्चेंट, समझ गए। अब ये टर्म इसमें से घटेगी बेटा, कितना बचेगा 15
950 इज इक्वल टू 290 इनटू में क्वेश्चन। अब देखिए ये टर्म बेटा इसके नीचे जाएगी, ये टर्म इसके नीचे जाएगी, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, आपका क्वेश्चन कितना बन जाएगा, 15950 अपॉन में 290, और ये 290 से बेटा कटेगा तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 55। इसका आंसर कितना आएगा 55। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि अपना जो क्वेश्चन बनेगा किसको, जब 15990 को हम 290 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना आएगा बेटा, क्वेश्चन आपका 55 आएगा। समझ गए बात। अब देखिए एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दूं, डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये आपकी प्रॉपर्टी है याद रखनी है आपने, डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए मैं लिखता हूं बेटा a डिवाइडेड बाय b, मैं समझाता हूं आपको कैसे, मैंने लिखा a डिवाइडेड बाय b, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है, अरे इसका मतलब क्या होता है a बाय b, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, a इंटू 1 बाय बी। समझ गए बात। अब देखिए यहां पे ये टर्म b थी लेकिन यहां पे क्या बना दिया मैंने, जब मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या बना दिया इसको, इसको 1 बाय बी बना दिया। तो आपका डिवीजन जो होता है बेटा वो इनवर्स होता है किसका, मल्टीप्लीकेशन का। समझ गए, जो आपका डिवीजन होता है बेटा वो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है। तो बेटा आपका असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट 2.2, असाइनमेंट 2.2 आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा, असाइनमेंट 2.2 आपका कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोगों ने बेटा घर से कंप्लीट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मेरे को बताना है कि इस क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सोल्व करवा दूंगा। कल हम बेटा सोल्व करेंगे पैटर्न्स की प्रॉब्लम, हम पैटर्न्स की प्रॉब्लम पढ़ेंगे कल। तो इस वीडियो लेक्चर पे बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई ये समझ में आ गई होंगी। तो कल तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।